दोस्तों क्या आपके फेसबुक ऐप पे फोटो अपलोड नहीं हो रहा है? फोटो अपलोड करते हैं यहाँ पे तो आपके सामने इस तरीके का प्रॉब्लम दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्टिंग दिखा रहा है, थोड़ा देर में यहाँ पे अपलोडिंग फेल दिखाएगा, रिट्राइट आपका प्रॉब्लम भी दिखाएगा, इस तरीके का प्रॉब्लम आप में भी दिखा रहा है। तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पा रहा है, इस तरीके का प्रॉब्लम दिखा रहा है। कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और कैसे अपलोड करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ से पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन के सेटिंग को आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके सामने एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऐप लिस्ट का ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन में जितना भी ऐप होगा टोटल ऐप यहाँ पे लोडिंग होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च आइकन दिख रहा होगा, सर्च आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक को। यहाँ पे मैं फेसबुक सर्च करता हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको फेसबुक पे क्लिक कर देना है। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको फोर्स स्टॉप करना है। फोर्स स्टॉप करना है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लियर कैच कर देना है। ये करने से छोटा मोटा जो भी ग्लिच होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बड़ा प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक नहीं होगा। आपको यहाँ पर आना है डाटा यूजेज डिटेल्स के ऑप्शन में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई, ये दोनों ऑफ होना चाहिए। अगर ऑन होगा इस तरीके से तो आपका जो है मोबाइल डाटा डिसेबल हो जाएगा फेसबुक से, सब एप्लीकेशन चलेगा लेकिन फेसबुक नहीं चलेगा, ये अगर ऑन होगा तो इसे आप ऑफ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड डाटा को आपको इनेबल करके रखना है, ऑन करके रखना है, इसी तरीके से सेटिंग होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे आना है परमिशन के ऑप्शन में। परमिशन के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने अलाउड के ऑप्शन में स्टोरेज को डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। आप अलाउ कर देंगे स्टोरेज को, अगर नहीं अलाउ होगा तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैमरा को अलाउ कैसे करता हूँ, क्लिक करना है एंड अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप बैक आते हैं। अब जो है कैमरा अलाउ हो चुका है, इसी तरीके से स्टोरेज को भी आप अलाउ करके रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इंटरनेट को चेक करना है। अब इंटरनेट को चेक करने के लिए यहाँ पे आप जो है ऊपर में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक फ्लाइट मोड का ऑप्शन, इसे आप ऑन ऑफ करेंगे तो इंटरनेट से रिलेटेड छोटा मोटा ग्लिच होगा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है कि आपने जिस सिम में रिचार्ज करवाया वो सिम से यहाँ पर डाटा कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पे आपको डाटा के ऑप्शन पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है। यहाँ पे आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने इस तरीके का सेटिंग खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेक करना है कि जिस सिम में आपने रिचार्ज कराया वही सिम यहाँ पे सिलेक्ट है या नहीं। मेरा सिम 2 पे रिचार्ज है और गलती से 1 पे सिलेक्ट हो गया है जिस पे कि रिचार्ज ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिम 2 पे सिलेक्ट करता हूँ, स्विच कर देता हूँ, अब जो है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मेरा फोटो अपलोड नहीं हो रहा था दोस्तों, तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। अब जो है मेरा ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, अगर अपलोड नहीं होगा तो फिर से अपलोड करेंगे उसी फ़ोटो को, तो अब शायद अपलोड होगा। चलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसे 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, रिट्राई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अब जो है ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है और ये फ़ोटो अपलोड भी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।